एक कहानी है 1988 की, रशिया की, आर्मेनिया की। आप सुनिए, एक पिता है ना, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है। स्कूल छोड़ने जा रहा है, जैसे ही वो स्कूल के वहाँ पहुँचता है ना, बच्चा उतर जाता है, 10 कदम चलता है और बच्चा बोलता है कि पापा आप मेरे को लेने आओगे ना। वो इतना प्यार से बोलता है कि पापा को उस तरह प्यार आ जाता है, वो कार से नीचे उतरता है, पास में जाता है, प्यार से उसको सहलाता है, उसके बाल को बड़ा ठड़ी करता है, बोलता है बेटा जब मैं तुझे एनी कंडीशन में लेके आऊंगा यार, तुझे मैं लेने आऊंगा, बोला कभी भी मैं तेरे को लेने आऊंगा। वो बड़ा प्यार से किया और वो वहां से, वो आदमी 20-25 मिनट आगे नहीं चला और सीधा वहां से दुनिया का सबसे बड़े भूकंपों में से एक भूकंप आया और पूरा का पूरा भूकंप से पूरा शहर जल गया। 3 से 4 मिनट में वो आर्मेनिया का वो शहर खत्म हो गया और वो कार चला रहा था और उसको लगा कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के आया हूँ, बच्चे का क्या हाल होगा। वो वापस गाड़ी घुमाई और आधे पौने घंटे में वहां पहुंचा तो देखता है कि पूरा 8 माले का जो स्कूल था ना वो जमींदोज हो गया, पूरा का पूरा मार्बल, और सैकड़ों माता पिता अपने बच्चों के लिए वहां खड़े थे। कोई रो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई फूल मालाएं ला रहा है, कोई कैंडल जला रहा है। अब इसको तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, न तो ये रोया न इसने फूल मालाएं चढ़ाई, इसने तो जाके वहां पत्थर आगे पीछे करना चालू कर दिया। ये सुबह 11 बजे की बात है, लोगों ने भी हेल्प करना चालू किया, 2 बजे आधे ऊपर लोग चले गए, 4 बजे तक तो पूरे लोग और पूरी मशीनरी वहां से, लोगों ने इसको बोला जो होना था हो गया, पर ये तो वहां पत्थर ऊंचा नीचा करने में बंद ही नहीं हुए, तो लोगों को लगा इसका दिमाग, इसके बच्चा डेथ होने से इसका दिमाग खराब हो गया। फिर भी समझाया, शाम को 6 बजे गवर्नमेंट की कार आई, बोला अभी यहाँ से जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, पर ये बंदा बोला मुझे मेरा काम करने दो। वो भी सरकारी मशीनरी भी रात को 12 बजे, ये 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजे और 5 मिनट पे उसको कुछ आवाज आई कि ये बच्चे की कोई मीठी मीठी आवाज, पापा पापा पापा, इसको कुछ होप बोलते ना, होप आया। वो पत्थर उसने से अंदर से निकाला कि वो सैम्यूल अंदर था, तो वो सैम्यूल का हाथ उसने पकड़ा। वो सैम्यूल जैसे ही बाहर आया ना, वो पापा के गले नहीं लगा, पापा के थैंक यू नहीं बोला, वो बोला पापा अंदर 2 बच्चे और है, उनको भी निकालो। तो वो पापा ने पूछे, अब ये पापा आंखों से रो रहा है, अब देखिए सैम्यूल ने क्या बोला। सैम्यूल बोला उन दोनों बच्चों को कि मैंने बोला था ना मेरा पापा आएगा, मेरा पापा आएगा, मेरा पापा आएगा। ये सुन के है वो बड़े वाले और वो बच्चा, तो साहब ये है ना, आप श्रद्धा रखिए, ऊपर वाला है ना सबको संभालता है। सुनते अपने अपने जो जिंदगी में इधर आए है ना, आज कहीं भी सुसाइड होता है, कहीं भी आत्महत्या होती है ना, तो ये साहब उसका फेल्यूर नहीं है, ये हम सब का फेल्यूर है कि दुनिया में उसको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो अपना दर्द बता सके। तो अपने है ना सब किसी के पिता बने, किसी के भाई बने, किसी के दोस्त बने, किसी के सारथी बने, पर ऐसा बने कि वो अपने दिल का दर्द अपने से बांट सके। सही बात। और उसको 750 करोड़ लोगों में उसको ये फील नहीं होना चाहिए आधी रात को कि मेरी सुनने वाला और वो बिना सुने यहाँ से दुनिया से चले जाए। तो अपनी हाजिरी बोलते ना, अपनी हाजिरी ऐसी जरूर रखे कि अपने जाने के बाद लोग गैर हाजिरी महसूस करें यार कि वो दिल की बात सुनता था। तो जीवन में सर है ना, जीवन में है ना, किसी का सारथी बनिए, किसी का दोस्त बनिए, किसी के पिता बनिए और किसी के दुख दर्द में काम आइए बॉस, वो ताकि लोग आपको याद करें। अंकुर नमक असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।